हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। पिछले 4-5 दिन से मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रहा था क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम था, -27-28 डिग्री और रियल फील -35 वाली थी। तो आज भी टेम्परेचर काफ़ी कम है, -20 डिग्री है, बट मैं व्लॉगिंग मिस कर रहा था तो सोचा आज व्लॉग बना ही लूँ। तो परसों रात को ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी बाहर छोड़ के गया था और -27-28 डिग्री टेम्परेचर था। तो जब मैं सुबह स्टार्ट करने आया तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी। हमने धक्का मुक्का लगाने की कोशिश की, टक स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर हमने लीड लगा के इंजन गर्म किया और फिर कल सुबह गाड़ी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर ये बहुत मसला होता है, सब जीरो टेम्परेचर में गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो जाती है, कभी कभी इंजन भी बंद हो जाता है। तो अभी तक मैं GoPro पे व्लॉग बना रहा था लेकिन शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने कैनन पे शिफ्ट किया है। साथ में कुछ बी रोल शॉट्स भी लेने गाड़ी के। तो ये लिनन लाती हार्बर पे आया हूँ मैं, और 3-4 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था तो तब वेदर काफ़ी सनी था, तो मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे जो आपने वीडियो के शुरू में देखे हैं। आज भी हम ड्रोन उड़ाएँगे अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद गाड़ी की बी रोल शॉट्स लेंगे और फिर गाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो पहले ड्रोन उड़ाते हैं। तो मैंने ड्रोन की बैटरी चेंज की है, अब इसको दोबारा उड़ाऊंगा। अभी हम आगे हार्बर पे चलते हैं और इसको मैं एक्टिव ट्रैकिंग मोड पे लगा के गाड़ी के पीछे फॉलो करवाता हूँ, देखता हूँ ये कितना अच्छा फॉलो करता है। यहाँ पेड़ काफ़ी सारे हैं तो अल्लाह करे कहीं क्रैश ना हो जाए, बाकी साथ में टेस्ट भी हो जाएगा कि कितना अच्छा एक्टिव ट्रैक इसका कितना अच्छा काम करता है। अभी तक तो ड्रोन फॉलो कर रहा है गाड़ी को, एक्टिव ट्रैक टेस्ट भी हो गया इसका। तो अभी बाहर बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। इतनी शदीद बर्फबारी में भी ये बुजुर्ग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, वाह। आई थिंक थोड़ी थोड़ी बर्फ रुक गई है, तो बाहर निकल के देखते हैं। अगर मैं आपको एक गाड़ी का छोटा सा मिनी टूर दे दूं, सो दिस इज द फ्रंट ऑफ द कार। बैक सीट्स कुछ ऐसी दिखती हैं, और ये है गाड़ी का इंटीरियर। इसमें ये एक स्क्रीन लगी हुई है एंड्रॉयड, अब मुझे पता नहीं ये प्री इंस्टॉल्ड है या फिर बाद में इंस्टॉल की हुई है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। इट शोज़ कि कौन सा दरवाज़ा खुला है, अगर डिग्गी खुली है तो वो भी पता चलता है। बाकी ये हैंड रेस्ट है ऐसे यहाँ पे रखने के लिए। लेकिन इस गाड़ी का मसला ये है कि इसका बूट थोड़ा लंबा है, तो मैंने ज़्यादा लंबे बूट वाली गाड़ी कभी चलाई नहीं है। ये था गाड़ी का थोड़ा सा मिनी टूर। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आपने कार कैसे ख़रीदी, तो यार फिनलैंड में कार ख़रीदना इज़ नॉट अ बिग डील। मेरे जितने दोस्त जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है सबके पास कार्स हैं, लेकिन यहाँ कार ख़रीदने के बाद उसके खर्चे उठाना, उसको मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे एनुअल इंश्योरेंस 800-1200 तक का होता है, और मैंने अपनी कार फाइनेंस करवाई हुई है तो मुझे अच्छा वाला इंश्योरेंस लेना पड़ा। और साथ में टैक्स होता है, एक रोड टैक्स जो ट्रैफिक कॉम को देना होता है, वो डीजल कार्स का थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरी कार का 500 यूरो है एनुअल। उसके अलावा गाड़ी में अगर छोटा मोटा मसला भी आ जाता है तो 400-500 यूरो से कम बात नहीं होती है। तो काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, टिकट्स वगैरह पड़ती हैं, मुझे पहले दिन ही 50 यूरो की टिकट पड़ गई थी। वो तो खैर खुद की गलती भी होती है, बट स्टिल गाड़ी के काफ़ी सारे खर्चे होते हैं यहाँ पे। शायद इसी वजह से यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी सस्ती होती है और इजीली मिल जाती है, और आप पर्सनल यूज़ के लिए 1500-2000 में अच्छी कार ख़रीद सकते हो 1-2 साल चलाने के लिए। तो ये सीन है यहाँ पर कार का। कुछ लोगों ने यह भी पूछा था कि आपने गाड़ी कितने में ख़रीदी, तो मैंने गाड़ी ली थी 2200 यूरोज़ में। अब हम ड्रोन उड़ाएँगे फिर से,
क्योंकि अभी फ्रेश स्नोफॉल पड़ी है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा सीन बनेगा ड्रोन उड़ाने का। तो ड्रोन के शॉट्स भी ले लिए हैं, लेकिन मुझे ड्रोन उड़ाना इतना अच्छा आता नहीं है अभी फ़िलहाल, बट सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी खुली है तो ड्रोन प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी जगह है। तो अब मैं वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।